हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्रिएटिव माइंड। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कलरफुल डोरमेट। ये डोरमेट मैंने काफ़ी सारे छोटे छोटे टुकड़ों से बनाया है। मेरे पास जो कपड़ा है वो वेलवेट का मोटा सोफ़ा कवर का जो कपड़ा आता है वो वाला है, लेकिन अगर आपके पास कॉटन का कोई कपड़ा हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट आप पुराने जो कपड़े होते हैं उनमें से भी 4x4 की साइज़ के इस तरह के स्क्वायर पीस कट करके भी इसको बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने कलरफुल बनाया है तो मैंने कोई कलर को फिक्स नहीं रखा है कि ये कलर मुझे 3 बार लेना है, 4 बार लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं रखा है। जिसका जो मुझे समझ में उस हिसाब से मैंने ले लिया, मेरे पास जो अवेलेबल था उसी में से मैंने बनाया है। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। 4x4 इंच का मैंने यहाँ पर स्क्वायर पीस कट करके लिए है और टोटल मैंने यहाँ पर 20 टुकड़े लिए हैं स्क्वायर पीस में। तो चलिए अब इसे बना लेते हैं। इसको बिना जोड़े हम बनाएंगे। तो बिना जोड़े हम कैसे बना सकते हैं, तो ये देखिए मेरे पास ये यहाँ पे एक हमारा ये पेस्टिंग पेपर है। पेस्टिंग पेपर ये सॉफ्ट वाला है, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। कहीं कहीं पे अगर नहीं भी मिलता है तो जो थोड़ा कड़क वाला आता है ना वो भी चल जाएगा। इसको पेस्टिंग पेपर बोलते हैं। इसमें एक तरफ दाने दाने हैं आपके, अगर आपका सादा रहेगा तो उसमें शाइनिंग रहेगा, जो शाइनिंग हिस्सा रहता है उस पर ग्लू होता है, और इसमें जहाँ पर दाने हैं वहाँ पर ग्लू है। तो मैंने ये 21x16 इंच का ये मैंने एक टुकड़ा इस पेपर में से कट किया है, पेस्टिंग पेपर से। तो ये देखिए यहाँ पे जो दाने हैं ना, मैं थोड़ा सा क्लोजअप करके दिखाती हूँ आपको। दाने हैं तो दाने वाली साइड मैं अपनी तरफ ऊपर की साइड रखूँगी क्योंकि यहाँ पे ग्लू है, तो इसके ऊपर हमें इसे चिपकाना है। अब देखिए वेलवेट का कपड़ा जब भी हम यूज़ करते हैं ना तो इसके ऊपर हम आयरन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम आयरन करेंगे तो हमारा वेलवेट का जो कपड़ा है वो ख़राब हो जाएगा। तो मैं इसे उल्टा रखूँगी, सारे पीसेस को उल्टा रखूँगी और फिर इसको स्टिक करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं जो आपको दिखा रही हूँ ये मैं सिर्फ आपको अच्छे से इसको जमा के दिखा रही हूँ कि कुछ इस तरह से ये दिखने वाला है, और बाद में हम इसकी सिलाई वगैरह कैसे करेंगे वो सारा कुछ भी देखने ना भूलें, पूरा वीडियो ध्यान से देखें। तो देखिए रैंडमली कलर लगा रही हूँ और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। आप चाहें तो 2 कलर का लेकर भी बना सकते हैं। मेरे पास ये वेलवेट के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हैं, ऐसे छोटे टुकड़े हैं जो ना किसी पर्स बनाने में काम आ सकते हैं और ना ही वॉलेट बनाने में। तो ऐसे टुकड़ों का मैं इस तरह से इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले 4-4 रखे थे, फिर मैंने 5वें भी रखा, यानी 5 की मैंने टोटल 4 रो बनाई है। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ ये दिखने वाला है, और जो हमने पेपर पेस्टिंग लिया है वो 1/2 इंच थोड़ा बड़ा लिया है, लास्ट में जब वो थोड़ा सा बचेगा तो हम काट देंगे। तो चलिए फटाफट से इसे आयरन करके हम इसे पेस्टिंग पेपर के साथ चिपका लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको इस तरह से उल्टा रखा था सारे कपड़े को, जो स्क्वायर पीस है उनको, उसके बाद पेपर रख के मैंने स्टिक कर लिया, तो अच्छे से ये चिपक जाता है। और ये जो दाने वाला पेस्टिंग पेपर आता है इसका ग्लू ज़्यादा अच्छा होता है, पेस्टिंग करने के बाद ये निकलता नहीं है। लेकिन अगर आपका नॉर्मल पेस्टिंग पेपर है तो आप थोड़ा आयरन को हाई लेवल पर गर्म करके और बाद में लगाइएगा ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए। आप देखिए पलटी किया तो कोई भी टुकड़ा हमारा अलग नहीं हो रहा है, और अच्छे से ये सारे जो भी टुकड़े हैं वो स्टिक हो चुके हैं। अब इस पर हमें सिलाई करनी है, तो इसके नीचे बेज हम पहले रखेंगे। तो बेज में मैंने यहाँ पे देखिए मेरे पास ये एक पैंट था जिसका कॉटन का कपड़ा है, और ये यहाँ से उसके ऊपर थोड़ा सा आला वगैरह जो बोलते हैं ना एसिड, वो गिर गया था, उस वजह से इसका कलर उड़ गया है, तो वो मैंने निकाल दिया था। काफ़ी मोटा कपड़ा है तो 2 ही मैंने लिए हैं, ये देखिए कलर उड़ा है। तो इसको हम अंदर डाल देंगे और इसका जो दूसरा पैर का हिस्सा है वो बाहर की तरफ रखेंगे। तो मैंने इस तरह से बिछा दिया है। अब जब भी हम पैंट वगैरह लेते हैं ना तो लेडीज़ पैंट जो होता है नीचे से थोड़ा घेर वाला रहता है, प्लाजो टाइप का रहता है, और ऊपर से थोड़ा सा कम रहता है, तो ये प्लाजो पैंट ही था। तो इसमें हमने देखिए जो छोटा हिस्सा है वो ऊपर रखा है और चौड़ा हिस्सा नीचे, फिर दूसरे पीस में छोटा हिस्सा नीचे और चौड़ा हिस्सा ऊपर, वैसे मैंने एडजस्ट कर लिया है ताकि जो मेन हमारा जो पेस्टिंग पेपर वाला कपड़ा है ना वो अच्छे से इसके ऊपर सेट हो जाए। अब यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको दोनों को बिछा लिया है। कपड़ा काफ़ी मोटा है इसलिए मैंने इस 2 के अलावा और कोई चीज़ नहीं डाली है, लेकिन अगर आप चाहें तो आपके पास कपड़े भी कम हो तो आप इसमें राइस बैग या चावल की बोरी जो बोलते हैं ना जिसे, वो भी डाल सकते हैं, या जूट बैग भी लगा सकते हैं। और फिर नीचे सिर्फ आप एक सिंगल कपड़ा रख के बीच में वो चीज़ डाल के, यानी राइस बैग या जूट बैग डाल के ऊपर ये इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए मैंने बीचों बीच रख दिया। अब यहाँ से हम सिलाई करेंगे, चारों तरफ पहले हम सिलाई कर लेंगे और उसके बाद जितने भी हमारे स्क्वायर पीसीस हैं उनमें दोनों तरफ हमें सिलाइयाँ करनी है, ताकि जितने, क्योंकि हमने इसे सिर्फ चिपकाया है, अगर हम इसे बीच में नहीं सिलेंगे तो ये
एक कुछ ही देर में अपने आप निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं बीच में बराबर रख के आपको दिखा रही हूँ, पहले पूरा कॉर्नर्स में हम सिलाई चला देंगे, उसके बाद बीच में हमें सिलाइयाँ चलानी है। देखिए कुछ इस तरह से दोनों तरफ चलाएंगे, पहले इस तरफ से चलाएंगे सिलाई, फिर उसके बाजू वाले पीस पे चलाएंगे, और खड़े में भी हम इसी तरह से करेंगे, दोनों साइड से दोनों जगह पर सिलाई चलाएंगे। ऐसा करने से जो सिलाई लगेगी वो तीनों कपड़े पे एक साथ में लगेगी, तो हमें अलग से फिर क्विल्टिंग नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने सिलाइयाँ कर ली है, तो पूरा जो स्क्वायर पीस है ना वो अच्छे से स्टिक हो चुके हैं नीचे वाले बेस के साथ में, तो क्विल्टिंग भी हो गया और सिलाई भी हो गई, तो सभी काम एक साथ में हम कर सकते हैं। अब जो बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसे मैंने कट करके हटा दिया है। अब देखिए फाइनल ये कुछ इस तरह से लग रहा है। अभी इस पर हमें पाइपिंग करनी है, परफेक्ट फ्रेंड, जैसे मार्केट में जितनी मोटाई वाला मिलता है ना डोरमेट पायदान, उतना ही परफेक्ट मोटाई वाला बना है। तो अब बस अब इसके ऊपर हमें बीच में कोई पट्टी वगैरह मैं नहीं लगा रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो रेडीमेड आती है छोटी छोटी पट्टी आती है या लेस की पट्टी आती है तो वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको सिंपल रखेंगे। अब ये मेरे पास लाइनिंग का कपड़ा है, ब्लैक कलर का है, तो मैं इसी में से इसकी साइड की पाइपिंग बनाऊँगी। आप कोई भी पुराना कपड़ा कुर्ती का हो या शर्ट का हो वो भी काट के उसकी पाइपिंग बना सकते हैं। अब इसके लिए आपको क्रॉस पट्टी काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये स्क्वायर पीस है, तो हम सीधी पट्टियाँ ही काटेंगे और पहले दो साइड हम इस पट्टी को लगाएंगे पाइपिंग को, और उसके बाद दो साइड में तो कवर करते हुए लगाएंगे ताकि अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। अब देखिए मैंने यहाँ पे 3 इंच चौड़ी ये पट्टी काटी और उसको जॉइंट कर लिया, सीधी पट्टी काटी थी और उसे मैंने जॉइंट्स लगा दिए। अब इसे हम फोल्ड करेंगे, सिलाई वाला हिस्सा जो जॉइंट का सिलाई वाला हिस्सा है वो अंदर जाए, वैसे हम इसे फोल्ड करेंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पे लाइनिंग का कपड़ा इस्तेमाल किया है पाइपिंग के लिए, तो मुझे इसको डबल करके ही लगाना पड़ेगा। अगर आपका नॉर्मल कपड़ा है तो आप सिर्फ 2 इंच लीजिएगा, 2 इंच को फोल्ड करेंगे तो वो 1 इंच हो जाएगा, आधा इंच सिलाई में और आधा इंच फोल्डिंग में जाएगा, तो प्रॉपर फिर आपको डबल ट्रिपल उसको फोल्डिंग नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर 3 इंच में दिखा रही हूँ ना, सिर्फ वैसा ही आप 2 इंच में कीजिएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर इसे फोल्ड कर लिया, देखिए फिर से दिखा रही हूँ, मैंने यहाँ पर इसे फोल्ड कर लिया और फोल्ड करके मैं पीछे की साइड से यानी जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है वहाँ से हम पाइपिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम एक पैर से थोड़ा ज़्यादा का दबाव लेते हुए हम इसकी सिलाई दोनों तरफ कर लेंगे, और चारों तरफ मैं कुछ इसी तरह से मैंने पाइपिंग कर ली थी जैसे मैंने आगे आपको समझाया। देखिए फाइनल लुक कुछ इस तरह से है इसका, हमारा बहुत ही खूबसूरत सा कलरफुल डोरमेट तैयार है। और फ्रेंड्स ये डोरमेट मेरे घर में भी सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और फिनिशिंग आप देखिए पाइपिंग की देख सकते हैं, इसके कोने देखिए परफेक्ट कोने इसके बने हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से इसके कोने भी बने हैं परफेक्ट। तो आई होप आज का ये आइडिया और वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के आइडिया में, तब तक के लिए बाय बाय।